वहीं बेमेतरा जिले के थाना खमरिया में बच्चियों ने इस बार रक्षाबंधन पर इको फ्रेंडली राखियां बनाई हैं। गोबर से बनी इन राखियों को बनाकर इन बच्चियों ने एक मिसाल पेश की है। वहीं गौशाला अध्यक्ष का कहना है कि लगभग 3 से 4 दिनों में 500 नग राखी और दिए बनाए गए हैं, जिसके इसके साथ ही अध्यक्ष ने बच्चियों को प्रोत्साहित किया है और उज्ज्वल भविष्य की कामना की है। सबसे पहले सूखे गोबर को कूटना पड़ता है, उसके बाद उसे छानकर फेविकोल मिक्स करके एक आकृति देते हैं और उस ऊन या मोली धागे में मोती स्टोन लगाकर हम उस राखी की सुंदरता बढ़ाते हैं और ये स्टोन हमें मार्केट से मिल जाता है। कब से राखियाँ बना रही हैं? 3 दिन। कौन बताया ऐसे काम करने के लिए कि गोबर से राखी बन जाए? कृष्ण गौशाला से। कहाँ है ये? थान खमरिया। हम लोग सूखे हुए गोबर है ना, उसको कूटे, उसके बाद उसको छाने और गोंद आता है उसमें हम मिक्स किए। मिक्स करने के बाद हम उसको एक आकृति देते हैं, उसके बाद धागे या मोली धागे में डाल देते हैं। इसकी सुंदरता बढ़ाने के लिए हमें स्टोन मोती डालते हैं जो हमें मार्केट में मिल जाता है और इसे हम बनाने के लिए 7 मिनट लगता है और इसे सुखाने के लिए भी थोड़ा टाइम लगता है। कैसे प्रेरणा मिली कि हम गोबर से राखी बनाए? गौशाला से मिले। कौन सी गौशाला से? रामकृष्ण गौशाला से। कहाँ रहती हैं? थान खमरिया। कितने लोग काम कर रहे हैं? कितने दिनों से लगे हुए हैं? 3 दिनों से। अध्यक्ष महोदय को हमारे द्वारा जामड़ी आश्रम के पाटेश्वर धाम के संत श्री राम बालक दास जी के ऑनलाइन सत्संग से वेद माता गायत्री गौशाला महासमुंद के मार्गदर्शन में उनके वीडियो को देखकर और शासन की गोधन योजना से प्रभावित होकर हमने श्री रामकृष्ण गौशाला समिति के तत्वाधान में उनके नेतृत्व में गोबर से राखी, गोबर से दिया और गोबर से गणेश जी का निर्माण किया है। वही मैंने अध्यक्ष महोदय को उसका अवलोकन कराया और उन्होंने काफ़ी प्रशंसा की और गौशाला में भी आने की बात कही और जो अनुदान विगत 1 साल से रुका हुआ है खमरिया गौशाला में उसकी भी चर्चा हुई और उसे शीघ्र समाधान निकाला जाएगा और शीघ्र अनुदान जारी किया जाएगा, ऐसा अध्यक्ष महोदय ने कहा।